हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की समस्याओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्पस। समस्या नंबर वन, आ बा को 5,000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह आ की पुत्री सा से विवाह करेगा। सा शादी के दिन मृत थी, अंतरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आ ट्रांसफर इज 5,000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही विल मैरी एज डॉटर सी एट द डेट ऑफ मैरिज सी वॉज डेड। वाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रांसफर? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। आ बा को 5,000 रुपये इस शर्त पर देता है कि वह आ की पुत्री सा के साथ विवाह करेगा। विवाह की तिथि को सा मर चुकी है। यह समस्या संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 25 पर आधारित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 सशर्त अंतरण यानी कंडीशन ट्रांसफर के बारे में उपबंध करती है। यह प्रस्तुत समस्या धारा 25 का दृष्टांत खा है। धारा 25 से जुड़े दृष्टांत खा में स्पष्ट उल्लेख है कि यह अंतरण शून्य है। धारा 25 किसी अंतरण को निम्न आधार पर शून्य घोषित करती है। पहला, यदि शर्त का पालन असंभव हो जाए। दूसरा, यदि शर्त का पालन विधि द्वारा प्रतिबंधित है। तीसरा, यदि शर्त ऐसी है कि यदि उसके पालन की अनुमति दी जाए तो उससे विधि का कोई प्राविधान परास्त यानी डिफीट होगा। चौथा, यदि शर्त कपटपूर्ण है। पांचवा, यदि शर्त के पालन से किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचती है। छठा, यदि न्यायालय उसे अनैतिक तथा लोक नीति के प्रतिकूल समझती है। प्रस्तुत समस्या के अंतरण धारा 25 की प्रथम परिस्थिति के अंतरण शर्त का पालन असंभव होने के आधार पर अंतरण शून्य माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।